अगर आप स्क्रैच सीखना चाहते हो मगर आपके पास केवल मोबाइल फ़ोन है, पीसी, लैपटॉप या टैबलेट नहीं है, तो आप एंड्रॉयड के मोबाइल फ़ोन पर केवल स्क्रैच जूनियर ऐप चला सकते हो। ये वीडियो बनाते वक्त केवल स्क्रैच जूनियर ऐप ही अवेलेबल है, पर मोबाइल फ़ोन पर आप एमब्लॉक जो ऐप है, स्क्रैच की काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर एमब्लॉक ऐप यूज़ करते हुए ये मस्त बलून पॉपिंग गेम बना सकते हो। तो हम बलून पॉप गेम बनाना सीखते हैं। मैं एमब्लॉक ऐप में जाकर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट में मैं सबसे पहले स्प्राइट सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो हम बलून पॉपिंग गेम बनाना चाहते हैं, तो ये मेरी बलून की स्प्राइट है। और जैसा आप देख रहे हो कि कुछ जो स्प्राइट्स हैं उनमें ये सिंबल बना हुआ है, और कुछ और स्प्राइट्स हैं जैसे एप्पल, उसमें ये सिंबल नहीं बना है। तो ये सिंबल मल्टी कॉस्ट्यूम्स जो है ये दिखाता है कि एक स्प्राइट में कई सारी कॉस्ट्यूम्स हैं। जैसे इस बलून की स्प्राइट में ये तीन अलग अलग कलर के बलून्स हैं, और ये जो कॉस्ट्यूम चेंज होती है तो ऐसा लगता है कि वो एनिमेटेड हैं। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये भी एक मल्टी कॉस्ट्यूम स्प्राइट है, और इसकी जो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स हैं वो ये हैं, और मल्टी कॉस्ट्यूम स्प्राइट्स को हम एनिमेट कर सकते हैं। तो अभी मैं ये बलून की स्प्राइट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं पैंडा की जो डिफ़ॉल्ट स्प्राइट है उसको मैं जाके डिलीट कर रहा हूँ। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा बलून है वो हमारे स्टेज पर रैंडम पोजिशंस पे अपीयर हो। तो इसके लिए अगर आप मोशन ब्लॉक्स में जाओगे तो यहाँ पर एक ब्लॉक है गो टू रैंडम पोजिशन। तो मैं फिर इवेंट्स ब्लॉक में जाकर व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड मैं कह रहा हूँ कि गो टू रैंडम पोजिशन। तो हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। मैं ग्रीन फ्लैग दबाता हूँ तो हमारा जो बलून है वो जितनी बार मैं ग्रीन फ्लैग दबाऊंगा उतनी बार एक रैंडम पोजिशन स्टेज पर एक रैंडम पोजिशन पे अपीयर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे गेम में जो हमारा बलून है वो कॉन्स्टेंटली अलग अलग रैंडम पोजिशन पे अपीयर हो। तो इसके लिए मैं कंट्रोल ब्लॉक में जाके एक फॉरएवर का लूप ला रहा हूँ, और मैं ये गो टू रैंडम पोजिशन इस फॉरएवर लूप में डाल रहा हूँ। तो अब हमारा प्रोग्राम कह रहा है कि व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड फॉरएवर गो टू अ रैंडम पोजिशन। ये प्रोग्राम हमने लिखा है ये बलून स्प्राइट के लिए। तो इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो अब हमारा जो बलून है वो रैंडम पोजिशन पे अपीयर कर रहा है, पर वो इतना फास्ट अपीयर कर रहा है कि हम उसको पॉप नहीं कर सकते हैं। तो गेम जो है वो ऐसा हो कि हम खेल पाएं, इसके लिए हमें इसमें एक वेट ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं वापस कंट्रोल में जा रहा हूँ और मैं यहाँ से वेट 1 सेकेंड कमांड ला रहा हूँ। तो अब हम क्या कह रहे हैं कंप्यूटर को कि व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड फॉरएवर गो टू अ रैंडम पोजिशन, वेट देयर फॉर 1 सेकेंड, देन गो टू अनदर रैंडम पोजिशन, वेट देयर फॉर 1 सेकेंड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको हम टेस्ट करके देख सकते हैं। तो अब हमारा जो बलून है वो हमारी स्टेज में रैंडम पोजिशंस पे अपीयर हो रहा है, और यही हम चाहते हैं। तो नेक्स्ट चीज हम क्या करना चाहते हैं कि जब हम इस स्प्राइट को अपनी उंगली से छुएं तो वो बर्स्ट हो जाए। तो इसके लिए इवेंट्स में अगर आप जाओगे तो इवेंट्स में एक और ट्रिगर हमारे पास है कि व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड। तो हम क्या करना चाहते हैं कि व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड, यानी आप उंगली से जब उसको छुओगे तब वो बर्स्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले साउंड में जाकर एक साउंड यहाँ पे प्ले करेंगे ताकि हमें ऐसा इफेक्ट लगे कि बलून जो है वो बर्स्ट हुआ है। तो हमारी ये पॉप की साउंड है। तो हम चाहते हैं कि जब ये स्प्राइट क्लिक हो तो सबसे पहले तो ये पॉप की जो साउंड है प्ले हो। तो हम अपने गेम को टेस्ट करके देखते हैं ग्रीन फ्लैग दबा के। तो ये जो हमारा इफेक्ट है ये हमें मिल रहा है, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बलून बर्स्ट हुआ है। तो इस बलून को बर्स्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम बलून की स्प्राइट को एडिट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बाकी दो स्प्राइट्स में डिलीट कर रहा हूँ, बाकी जो दो कॉस्ट्यूम्स हैं इस स्प्राइट की वो डिलीट कर रहा हूँ, और फिर मैं एक नई कॉस्ट्यूम ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ जाके मैं फिर से बलून सिलेक्ट कर रहा हूँ और सेम कलर वाला बलून में लेकर आ रहा हूँ। और अब मैं इस बलून को एडिट कर रहा हूँ। तो इस बलून को हम दिखाना चाहते हैं कि जैसे वो बर्स्ट हो गया है।
तो उसके लिए एक सिंपल तरीका क्या है कि मैं पेंट में जाके ये इरेजर सिलेक्ट करके इसको रैंडम आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो, इस तरीके से बर्स्ट बलून कर रहा हूँ और फिर इंडिविजुअल पार्ट्स को सिलेक्ट करके उनको थोड़ा सा हिला रहा हूँ ताकि हमें लगे कि जैसे कि बलून जो है वो बर्स्ट हो गया है। और मैं इस कॉस्ट्यूम का नाम बदल रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ बलून वन बर्स्ट, सेव। तो अब हमारे पास एक ये कॉस्ट्यूम है बलून वन, इसको मैं भी रीनेम कर देता हूँ कि इसको हम कह देते हैं बलून वन ताकि हमें याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो बलून वन और बलून वन बर्स्ट। तो अब हम अगर वापस अपनी प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि जब ये स्प्राइट क्लिक हो और पॉप साउंड प्ले हो तो उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि स्प्राइट की कॉस्ट्यूम बदल जाए। तो हम यहाँ कह रहे हैं स्विच कॉस्ट्यूम टू बलून वन बर्स्ट। तो इसको हम टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये बलून बर्स्ट करने के बाद तो कॉस्ट्यूम बदल गई, बट अब प्रॉब्लम क्या है कि बार बार यही कॉस्ट्यूम है। तो इसको ठीक करने के लिए हम वापस अपने प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स में जाके यहाँ लुक्स में हम कह रहे हैं कि जब हमारा जो ओरिजिनल बलून है बलून वन वो अपीयर हो हमेशा और रैंडम पोजिशन पे जाए और फिर वन सेकेंड वेट करें, पर जब उस बलून की स्प्राइट क्लिक हो तब बलून की जो इमेज है, जो बलून की कॉस्ट्यूम है वो बदल जाए, वो बलून वन बर्स्ट कॉस्ट्यूम हो जाए। तो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। तो अगर आप गेम को चैलेंजिंग बनाना चाहते हो तो आप इसकी जो वेट है ये कम कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वेट 0.8 सेकेंड्स कर देता हूँ तब ये जो हमारा गेम है ये ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम इस गेम में एक स्कोरिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो स्कोर ऐड करने के लिए हमारे को वेरिएबल्स में जाना पड़ता है। स्कोर ऐड करना स्क्रैच में काफ़ी सिंपल है, एम ब्लॉक में काफ़ी सिंपल है। तो मैं वेरिएबल्स में जाके एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ और मैं इसका नाम रख रहा हूँ बलून्स बर्स्ट, यानी कितने बलून हमने बर्स्ट किए। आप नाम वेरिएबल का कुछ भी दे सकते हो। कंप्यूटर में जो वेरिएबल है, मैंने एक और वीडियो में ये बात समझाई है, वेरिएबल जो है वो एक बॉक्स की तरह है, वो लेटेस्ट वैल्यू उस बॉक्स में स्टोर हम करते रहते हैं, अपडेट होती रहती है। और जब हम उस वेरिएबल को कॉल करते हैं तो कंप्यूटर उस बॉक्स में, और उस बॉक्स का हमने यहाँ पे नाम रखा है बलून्स बर्स्ट, तो उस बॉक्स में उस वक्त लेटेस्ट क्या वैल्यू है ये बता देता है। तो यहाँ पे मैं इसको फॉलो ऑल स्प्राइट्स रहने दे रहा हूँ। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हम कह रहे हैं कि ये जो बलून बर्स्ट नाम का जो हमारा वेरिएबल है, जो एक स्टोरेज बॉक्स है, हम कह रहे हैं कि जब भी एक नया गेम शुरू हो सबसे पहले तो उसकी वैल्यू ज़ीरो कर देना। जैसे कि गेम जब रीसेट होता है तो हम कहते हैं कि इनिशियल वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जानी चाहिए। फिर हम कह रहे हैं कि जितनी बार हम सक्सेसफुली बलून को पॉप कर पाएँ, जब हम उसको ठीक से छू पाएँ, तब क्या करना कि ये जो वेरिएबल है बलून बर्स्ट इसकी वैल्यू वन से बढ़ा देना। तो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। तो अभी हमारी बलून बर्स्ट की वैल्यू ज़ीरो है। तो जितनी बार मैं बलून को बर्स्ट करता हूँ हमारा बलून बर्स्ट जो है वो एक नंबर से ऊपर चला जाता है। तो ये स्कोर तो ठीक है, पर ये स्कोर ऐसे है जैसे कि हम एग्ज़ाम में कोई आपसे कहे कि आपके चार नंबर आए थे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चार मतलब 10 में से चार आए थे कि 20 में से चार आए थे कि 100 में से चार आए थे, तभी पता चलता है कि चार का मतलब क्या है। तो हम चाहते हैं कि हम ये भी ट्रैक रखें कि टोटल नंबर ऑफ बलून्स कितने अपीयर हुए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम फिर से वेरिएबल में जाके एक और वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं टोटल बलून्स। और हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगेन जब गेम शुरू हो तो टोटल बलून्स, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आप सिलेक्ट कर सकते हो सारे वेरिएबल। तो मैं यहाँ टोटल बलून सिलेक्ट कर रहा हूँ कि टोटल बलून्स नाम का जो वेरिएबल है उसको भी ज़ीरो सेट कर देना जब भी एक नया गेम शुरू हो। और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि चेंज, और यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं कह रहा हूँ टोटल बलून्स कि जितनी बार एक नया बलून अपीयर हो उतनी बार आप कंप्यूटर जो है वो टोटल बलून्स नाम के वेरिएबल को एक से ऐड कर दे। तो अब अगर हम इसको टेस्ट करके देखते हैं तो अभी यहाँ पे ये पिछले गेम की वैल्यू दिखा रहा है, पर जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग दबाऊंगा
वो रीसेट हो जाएगी, तो वो जीरो हो गई है। अब जितनी बार एक बलून अपीयर हो रहा है, टोटल बलून्स का काउंट बढ़ते जा रहा है, और जितनी बार मैं सक्सेसफुली बलून को बर्स्ट कर पाऊंगा, उतनी बार हमारा बलून्स बर्स्ट का जो स्कोर है वो बढ़ रहा है। तो अब ये ज़्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि अब हमें पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बलून्स 19 आए थे, जिसमें से हम 7 बर्स्ट कर पाए। आप अगर ये बलून की पोजीशन, ये जो वेरिएबल्स की पोजीशन है, इनको भी आप चेंज कर सकते हो। तो आप अगर यहाँ एडिट में जाओगे तो आप इसको मूव कर सकते हो। तो मैं ऐसे सेटअप कर रहा हूँ टॉप ऑफ द स्क्रीन, ताकि वो बलून्स जो हैं वो ठीक से हमें दिख पाए। इस गेम को अगर और चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे और बलून्स ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस प्रोग्रामिंग में जाकर, अगर हम यहाँ पे एक नया स्प्राइट ऐड करते हैं, और मैं ऑल स्प्राइट्स में जाके बलून के स्प्राइट को फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अब जो पिछली बार हमने बलून यूज़ किया था उसको डिलीट कर रहा हूँ, और इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, ताकि हमारे पास केवल एक ये बलून जो येलो बलून है, केवल वो हमारे पास रह जाए, ताकि पहला वाला ब्लू है और दूसरा वाला फिर येलो हो जाएगा। और इसका नाम मैं रख रहा हूँ बलून 2। ओके, सेव। फिर मैं यहाँ पर एक नई स्प्राइट ऐड कर रहा हूँ, और फिर बलून को सर्च करते हुए मैं केवल येलो बलून वाली स्प्राइट जो है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं इसको भी एडिट कर रहा हूँ। और जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था, आप इरेजर को सिलेक्ट करके इसको रैंडम पोजीशंस पर जिसे ऐसे भी आप चाहो इसको एडिट कर सकते हो, और उसके बाद पोजीशंस को थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो। और मैं इस कॉस्ट्यूम का नाम रख रहा हूँ बलून 2 बर्स्ट, और इसको भी सेव कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास सेकेंड हमारा जो स्प्राइट है वो आ गया है। तो अब हमें इसको प्रोग्राम करना है, तो हम पूरा प्रोग्राम दोबारा लिखने के बदले हम यहाँ पे अपने पहले स्प्राइट पे जा रहे हैं। यहाँ पे जब अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे ये एक मेन्यू पॉपअप हो जाएगा, इसमें से हम कह रहे हैं कॉपी टू अदर स्प्राइट्स, और फिर मैं इस स्प्राइट में जाके इसमें फिर से अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ तो ये पेस्ट टू दिस स्प्राइट मुझे मिल जा रहा है। और मैं वापस ये सेकेंड वाला जो हमारा कमांड सेट है इसको भी ले जा रहा हूँ कॉपी टू अदर स्प्राइट्स, और इसको भी जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि हम ऑलरेडी ये सेट बलून कहीं और अपने पहले स्प्राइट पे ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, तो मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे मैं बलून की ठीक स्प्राइट चुन रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ बलून 2 है, ये ठीक है, और यहाँ बलून 1 बर्स्ट नहीं, हमारे को यहाँ बलून 2 बर्स्ट की इमेज चाहिए। और अगेन आप चाहो तो यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ताकि बलून्स थोड़े रैंडमनेस में इधर उधर हो। तो मैं यहाँ पे 1.2 सेकंड्स यहाँ वेट कर रहा हूँ इसकी। अब अगर हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, तो जैसे ही मैं रीसेट कर दोबारा नया गेम शुरू करता हूँ, तो अब ये गेम जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि दो दो बलून्स जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। एक चीज़ मुझे पहले ही कर देनी चाहिए थी कि मुझे ये जो है इसको सेव कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर ये फॉर्चुनेटली कहीं बंद नहीं हुआ, पर बंद होता तो आप अपना सारा लूज़ कर देते जितना भी प्रोग्राम लिखा था। तो आप अपने गेम का कोई भी नाम दे सकते हो, बलून पॉपिंग मैं नाम दे रहा हूँ एंड ओके। तो अब ये फ्लॉपी आइकॉन दबा के आप इसको सेव कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप चाहो तो आप एक और बलून ऐड करके और अपना गेम जो है उसको और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बना सकते हो। तो आई होप आपको ये गेम पसंद आया और आप भी इसको बनाना ट्राई करोगे।